स्टूडेंट्स नमस्कार। हम बात कर रहे थे हमारे भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों में, और स्रोतों में हम देख रहे थे विदेशी साहित्य स्रोत। हम पढ़ रहे थे विदेशी साहित्य स्रोत, जिसमें हमने मैगी स्मिथ की इंडिका को पढ़ा था, और उसके बाद चीनी यात्रियों के विवरण में फाया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय उनकी रचना फाकोकी को हमने पढ़ा था, और फायान का भारत विवरण पढ़ा था। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं विदेशी साहित्य स्रोतों में वेनसांग का विवरण। वेनसांग का विवरण पढ़ेंगे, और वेनसांग के विवरण के बाद क्षेत्रीय साहित्य स्रोत साहित्य, जिसके अंदर अरबी, फारसी साहित्य और तेलुगु, तमिल और राजस्थानी साहित्य जो हमारे पाठ्यपुस्तक में है, उन्हीं हम साहित्य रचनाओं की बात करेंगे। उसके बाद हम वंशावली, हमारे इतिहास में वंशावली को एक विशिष्ट स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है, वो भी हमारे पाठ्यक्रम में है। एक सवाल बनता है यहाँ से, वंशावलियाँ क्या है या वंशावलियों को स्रोत के रूप में क्यों माना गया है। क्षेत्रीय साहित्य में तो किसी की रचना पूछी जा सकती है कि रचना किसकी है, यहाँ इस तरह का सवाल पूछा जाता है। जैसे हमने देखा संस्कृत साहित्य और लौकिक साहित्य में देखा था मिलान करने वाला सवाल पूछा जाता है, यहाँ पर लेखक का नाम पूछा जाता है, और यहाँ वेनसांग का विवरण। देखिए वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आए, जैसा कि कल उनके भारत आने, कल वाली क्लास में उनके भारत आने के रास्ते को हमने देखा था कि किस तरह से वेनसांग भारत आए। वेनसांग को उपाधियां दी गई है यात्रियों का राजकुमार, जैसा कि कल बताया यात्रियों का राजकुमार क्यों कहा जाता है, क्योंकि संपूर्ण भारत में भ्रमण करने वाला एकमात्र चीनी यात्री था जो दक्षिण भारत में पल्लव राजवंश में भी गया, चालुक्य राजवंश में भी गया, संपूर्ण भारत में भ्रमण किया, शिक्षा का केंद्र गुजरात के अंदर वल्लभ भी, वहां भी गया, कश्मीर भी गया, संपूर्ण भारत में भ्रमण करने के लिए यात्रियों का राजकुमार। यह विशेष तौर पर नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। इसके बाद हर्ष के द्वारा कन्नौज और प्रयाग में जो महामोक्ष परिषद और धर्म सभा आयोजित की गई, हमारे पाठ्यक्रम में है, हम हर्षवर्धन में पढ़ेंगे इसको, आयोजित की गई वहां पर वेनसांग को एक उपाधि दी गई मोक्ष देवा की उपाधि दी गई, महादेवा की उपाधि दी गई महायान परंपरा के कारण, महादेवा कहा गया, मोक्ष देवा कहा गया। इसके अलावा इसको आधुनिक शाक्य मुनि बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण विद्वान होने के कारण आधुनिक शाक्य मुनि यानी बुद्ध के बाद वेनसांग ऐसा व्यक्ति था जो संपूर्ण बौद्ध धर्म का विवरण रखता था। तो इन्होंने जो भारत के बारे में विवरण लिखा उस विवरण का नाम है CUK, उनकी रचना का नाम है CUK। जो वेनसांग के चीन जाने के बाद उनके मित्र वीरी ने उसके विवरण को लिखा है। लगभग 700 पुस्तकों की पांडुलिपियां हैं वो वेनसांग भारत से अपने साथ लेके गए, और वीरी ने उनका विवरण लिखा। आइए हम देखते हैं कि विवरण में क्या है। पहला बिंदु, वेनसांग ने अपने विवरण में भारत के बारे में लिखा है, और प्रथम बात लिखी है भारत की सामाजिक स्थिति। वेनसांग ने भारत की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है, और सामाजिक स्थिति में इसने कहा है कि समाज में वर्ण व्यवस्था थी। इसका मतलब ये हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार वर्ण है, ये वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन विशेष बात उन्होंने ये बताई, इस वर्ण व्यवस्था में शूद्रों को खेती करने की अनुमति थी, शूद्रों को खेती करने की अनुमति थी करने की
अनुमति थी। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ण व्यवस्था तो थी, यानी छठी शताब्दी सातवीं शताब्दी में वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था अब कैसी थी, कर्म पर आधारित हो गई थी। दूसरा ये था कि वर्णों के समांगीकरण यानी वर्णों के मिलने की प्रक्रिया है वो भी बराबर चल रही थी। एक वर्ण का व्यक्ति यानी जो क्षत्रिय है वो वेद पढ़ा सकता है, वेद का ज्ञान ले सकता है, शूद्र खेती भी कर सकता है। इस तरह के जो वर्ण व्यवस्था है वो इतनी कठोर नहीं थी, यानी व्यवसाय पर विशेष ध्यान दिया जाता था। दूसरा बिंदु ये था कि समाज के अंदर शुद्ध भोजन पर ध्यान दिया जाता था। शुद्ध भोजन, सभी को शुद्ध भोजन मिले उस पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मांसाहारी लोग थे और मांसाहारी लोग जो है वो नगर से बाहर रहते थे। मांसाहारी लोग हैं वो नगर के बाहर रहते थे। तो ये इसके अलावा नंबर तीन, समाज के अंदर विशेष तौर पर नैतिक चरित्र को महत्व दिया जाता था। नैतिक चरित्र महत्वपूर्ण था। देखिए पहले हमने पढ़ा, हमने मेगस्थनीज को पढ़ा, हमने इससे पहले फायन को पढ़ा। वो भारतीय लोगों को ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बताते हैं। वहीं पर हर्षवर्धन भारतीय लोगों को नैतिक चरित्र वाला व्यक्ति बताते हैं, यानी यहाँ पर नैतिक चरित्र को सबसे अधिक महत्व दिया गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सामाजिक स्थिति में वर्ण व्यवस्था, शूद्रों को खेती का कार्य करने की अनुमति, शुद्ध भोजन, लोग मांस खाने वाले नगर से बाहर रहते थे, नैतिक चरित्र को, उत्तम चरित्र को महत्व दिया जाता था। उसके बाद हम देखते हैं नंबर दो, उन्होंने जो आर्थिक स्थिति का उल्लेख किया, आर्थिक स्थिति को हम देखते हैं। आर्थिक स्थिति देखिए, रेन सर ने उल्लेखित किया कि आर्थिक स्थिति ने भारत में विशेष तौर पर व्यापार और इसमें भी वस्त्र व्यापार जो है उन्नत था। वस्त्र व्यापार या व्यवसाय जो है वो उन्नत अवस्था में था। हमारे यहाँ पर कनिष्क के कारण हम देखते हैं कि सिल्क रूट बनाया गया, रेशम मार्ग बनाया गया, रेशम का व्यापार उस मार्ग से होता था और वहीं से हमारी जो रेशम थी, हमारी जो कैलिको रेशम थी, कैलिको रेशम और जो चाइना की रेशम थी चिना सुक रेशम, उन दोनों को मिला करके एक अच्छा कपड़ा तैयार होता था और वो ढाका की मलमल यानी ढाका में ये तैयार होता था और उसके बाद निर्यात किया जाता था। यानी वस्त्र व्यापार ने विशेष करके हमारे यहाँ से कपड़े और मसाले जो है वो निर्यात किए जाते थे, कपड़े और मसाले, और उसके बदले में हमारे यहाँ पर सोना आता था और घोड़े आते थे युद्ध के लिए। घोड़े चारागाह की रक्षा के लिए घोड़े मंगवाए जाते थे यात्रा के लिए, और सोना मंगवाया जाता था, उसके बदले में कपड़े और मसाले भेजे जाते थे। व्यापार को यदि हम देखें तो हमारे यहाँ व्यापारिक बंदरगाह इस समय प्रमुख बंदरगाह थी ताम्रलिपि बंदरगाह, जो पूर्वी तट का सबसे प्रमुख बंदरगाह था ताम्रलिपि, और पश्चिमी तट का सबसे प्रमुख बंदरगाह था भृगु कच्छ, जिसको अपन भड़ौच कहते हैं, वो पश्चिमी तट का बंदरगाह था। तो इस तरह से बंदरगाह भी थे जो व्यापारी के रूप से इस तरह के वस्त्र व्यापार में महत्व दिया जाता था। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन्होंने धार्मिक जीवन का उल्लेख किया। धार्मिक जीवन, तो धार्मिक जीवन में इन्होंने विशेष उल्लेख किया कि यहाँ सभी धर्मों का सम्मान था, सभी धर्मों का बराबर सम्मान था। देखिए जब प्रयाग, और ये जो प्रयाग में महामोक्ष परिषद आयोजित किया, कन्नौज में, कन्नौज में धर्म संसद आयोजित किया कन्नौज में, उन दोनों जगह हमने ये देखा कि हर्षवर्धन ने क्या किया कि जो बुद्ध की मूर्ति बनाई उनके बराबर भगवान ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, शिव की मूर्ति भी बनाई। इसका मतलब सभी धर्मों का सम्मान था, लेकिन खास बात जो उल्लेखित की वो धर्म के महायान शाखा का विशेष महत्व था। महायान शाखा का यहाँ पर विशेष महत्व था। लोग मूर्ति पूजा में भी विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा को भी मानते थे, लेकिन यहाँ पर धर्म का मूल उद्देश्य कर्मकांड नहीं है। यहाँ पर धर्म का मूल उद्देश्य है ज्ञान की खोज, ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान की खोज करना। तो ये धर्म के संबंध में था, धार्मिक जीवन के संबंध में था। उसके बाद हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, यदि हम देखते हैं यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा में नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा और इसके साथ साथ वल्लभी विश्वविद्यालय का इन्होंने उल्लेख किया।
कि जहाँ जैन शिक्षा का केंद्र वल्लभी विश्वविद्यालय था, वहीं महायान शाखा का विश्वविद्यालय जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय था। तो इस तरह से वेलसार ने अपने भारत विवरण में लिखा कि भारत की सामाजिक स्थिति में वर्ण व्यवस्था थी, शूद्रों को खेती की अनुमति, शुद्ध भोजन, मांसाहारी लोग नगर से बाहर रहते थे, नैतिक चरित्र को महत्व दिया जाता था और आर्थिक जीवन में उन्होंने लिखा वस्त्र उद्योग प्रमुख था, कपड़े और मसाले बाहर भेजे जाते थे, निर्यात किए जाते थे और बदले में सोना और घोड़े आते थे, ताम्र लिपि और भृगु कच्छ बंदरगाह यहाँ प्रमुख थे। धार्मिक जीवन का मूल उद्देश्य था ज्ञान की खोज करना, न कि कर्म कांड, और धर्म में विशेषकर महायान शाखा को महत्व दिया जाता था। और शिक्षा की बात करते हैं तो नालंदा और वल्लभी विश्वविद्यालय यहाँ के शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। वेलसार ने इस प्रकार भारत का विवरण लिखा। देखिए सातवीं शताब्दी में यानी 671 के समय इत्सिंग भारत में आए और वो पूर्वी क्षेत्रों से जावा, सुमात्रा, बोर्निया से आए। इत्सिंग का जो विवरण है रिलीजियस और बुद्धिस्ट, एक रिकॉर्ड रिलीजियस और बुद्धिस्ट जो हमने कल बात कर ली थी, वो जापानी विद्वान तोकुशु ने उसे लिखा था। इत्सिंग ने भारत विवरण लिखा, भारत से यही बोध ग्रंथ ले गया, तो इत्सिंग की यात्रा का भी उल्लेख आता है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर विशेषकर फायान और वेलसांग है। इसके बाद हम बात करते हैं क्षेत्रीय साहित्य की। क्षेत्रीय साहित्य की बात करते हैं तो क्षेत्रीय साहित्य में सबसे पहले हम अरबी और फारसी ग्रंथों की बात करते हैं। अरबी और फारसी, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, अरबी और फारसी बहुत सारे ग्रंथ है, लेकिन यहाँ पे स्रोत के रूप में किसको माना गया है, हमारे पाठ्यक्रम में जो नाम दिए है वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यानी नंबर एक हम देखते हैं कि सुलेमान नब्बी इनकी रचना है सिलसिलेवार उल्ल त्वारिक। सिलसिलेवार का मतलब होता है क्रमवार घटनाएं, ऐसी घटनाएं जो एक के बाद एक घटित होती है, और त्वारिक का मतलब होता है लेख लिखा हुआ। यानी सुलेमान नब्बी जो है वो भारत आया और उसने जो राष्ट्रकूट वंश थे, राष्ट्रकूटों का जो इतिहास है, राष्ट्रकूटों का जो विवरण है वो इन्होंने लिखा। यानी नवीं शताब्दी में भारत आए थे। सुलेमान नब्बी भारत आने वाले पहले अरबी विद्वान माने गए, सुलेमान नब्बी, और इन्होंने सिलसिलेवार उल्तवारी की रचना की, इसे लिखा। नंबर दो पे आते हैं अल मसूदी ने जो विवरण लिखा उसका नाम है मिरास ऑफ गोल्ड पुस्तक लिखी अल मसूदी ने। मिरास ऑफ गोल्ड पुस्तक में इन्होंने प्रत्यार वंश का उल्लेख किया, प्रत्यार वंश, और प्रत्यार वंश में ये विशेष करके महीपाल प्रथम के दरबार में ये थे। और अल मसूदी ने मिरास ऑफ गोल्ड नाम की पुस्तक प्रत्यारों के बारे में लिखी। ये 10वीं शताब्दी में ये भारत आए थे। उसके बाद नंबर तीन हम बात करते हैं अल बिरूनी इब्न अहमद अबू रियान अल बिरूनी, जो महमूद गजनवी यानी ये घर रस्सी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। और महमूद गजनवी ने जब कन्नौज पर आक्रमण किया तो ये साथ में था, यानी कन्नौज आक्रमण में भी अल बिरूनी साथ में था। और अल बिरूनी ने अपना जो विवरण लिखा उसका नाम है किताब उल हिंद, या इसका दूसरा नाम है तहकीकात ए हिंद। ध्यान रहे अल बिरूनी एक दरबारी ज्योतिष विद्वान माना गया, इसलिए अल बिरूनी भारत में रहा। तो इसने वाराणसी में रहते हुए इसने गणित की पुस्तक जो लीलावती गणित की जो पुस्तक है इसको इन्होंने फारसी में अनुवाद किया। इसके बाद वराहमिहिर की खगोल शास्त्री, वराहमिहिर की रचनाएं हैं,
वरामी की रचनाओं को भी इन्होंने फारसी में अनुवाद किया। तो इस तरह की जो हमारे यहाँ ज्योतिष की विधाएं थी उनका अलबेरूनी ने उल्लेख करते हुए भारत की शासन व्यवस्था यानी कन्नौज की शासन प्रणाली का इन्होंने इस तरह से उल्लेख किया। तो ये अरबी और फारसी तीन विद्वान हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में, उसके बाद तिब्बती विद्वान नंबर चार हम लिखते हैं, तिब्बती विद्वान, और तिब्बती विद्वान में है तारानाथ लामा। तारानाथ लामा की रचना हमारे कोर्स में है और वो है कंग्यूर तंग्यूर, कंग्यूर तंग्यूर, कंग्यूर तंग्यूर तारानाथ लामा की रचना जो तिब्बती रचना के रूप में मानी जाती है वो हमारे पाठ्यक्रम में है। तो इस तरह से हम अरबी फारसी और तिब्बती ग्रंथों को देखते हैं। तो फारसी में सुलेमान नबी की सिलसिलेवार तारीख है, अल मसूदी की किताब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, मिडास ऑफ गोल्ड, उसके बाद ये अल मसूदी, उसके बाद अल बिरूनी की किताब है किताब उल हिंद, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मिलान करने वाले सवालों में से पूछा जाता है, मिडास ऑफ गोल्ड को अलग से पूछ सकते हैं कि ये रचना किसकी है क्योंकि महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे यहाँ क्षेत्रीय अन्य साहित्यों में, जिसमें हम देखते हैं तेलुगु और तमिल साहित्य। देखिए दक्षिण भारत का जो साहित्य है वो दक्षिण भारत का साहित्य अपने आप में अलग है, और दक्षिण भारत के साहित्य को हम संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य जो है वो दक्षिण भारत का साहित्य है, और संगम साहित्य की रचना हुई थी मदुरई में, मदुरई में, मदुरई या जिसको अपन मदुरा मदुरे कहते हैं, मदुरे में, और मदुरे में ऋषि अगस्त्य, ऋषि अगस्त्य जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में गए, ऋषि अगस्त्य जिन्होंने अनेक तमिल और तेलुगु ग्रंथों की रचना की और उसको अनुवादित कराया, इसलिए संगम साहित्य की अपने आप में क्षेत्रीय साहित्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक सेकिलार, सेकिलार की रचना है पेरिया पुराण, पेरिया पुराण जो हमारे पाठ्यक्रम में है, सेकिलार की रचना पेरिया पुराण। उसके बाद हम देखते हैं तिलतक देवर, तिलतक देवर की रचना है जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि, ये भी हमारे पाठ्यक्रम की दृष्टि से जीवक चिंतामणि महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम देखते हैं दक्षिण भारत में कृष्णदेवराय, संगम राज्य था कृष्णदेवराय का, कृष्णदेवराय शासक थे, वो स्वयं तेलुगु के विद्वान थे, खुद तेलुगु के विद्वान थे, और उन्होंने तेलुगु भाषा में आमुक्त मालयद, आमुक्त मालयद ग्रंथ लिखा। ये हमारे पाठ्यक्रम में है परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। तेलुगु भाषा में कृष्णदेवराय ने पुस्तक लिखी जिसका नाम है आमुक्त मालयद, ये ध्यान रखें। इसके बाद हम जो बात करते हैं इन्हीं के दरबार में रहने वाले विद्वानों ने जो तेलुगु भाषाओं में रचनाएं लिखी, उसमें नाम आता है कवि सायन का, कवि सायन, कवि सायन ने इनके दरबार में लिखे हुए रहते हुए अनेक वेद भाष्य लिखे, वेद भाष्य ध्यान रहे, वेद भाष्य जो है वो कवि सायन ने लिखे कृष्णदेवराय के दरबार में रहते हुए। एक विद्वान हुए धुरजटी, धुरजटी ने एक ग्रंथ लिखा कृष्णदेवराय विजयम, कृष्णदेवराय विजयम जो ग्रंथ लिखा वो कृष्णदेवराय के बारे में लिखा, वो भी तेलुगु भाषा में लिखा गया। उसके बाद हम देखते हैं तेनालीराम, तेनालीराम, तेनालीराम की कथाएं हम अखबारों में पढ़ते हैं रोज, तेनालीराम की इस तरह की कथाएं आती हैं। तो तेनालीराम है वो कृष्णदेवराय के दरबार में जो आठ विद्वान थे, उन आठ विद्वानों में अष्ट दिग्गज के नाम से जाने जाते हैं, और इन्होंने एक रचना लिखी वो है पंडित महात्म में, पंडित महात्म में, इस तरह की एक श्रेष्ठ रचना का निर्माण तेनालीराम ने किया। इसके अलावा कृष्णदेवराय में सबसे प्रसिद्ध कवि थे वो थे अलसानी पेड़ाना, अलसानी पेड़ाना, ये भी तेलुगु भाषा के कवि माने गए, ध्यान रहे कृष्णदेव। देखिए यदि हम
क्षेत्रीय साहित्य की बात करते हैं तो संगम साहित्य आता है। संगम साहित्य की बात करते हैं तो संगम साहित्य की प्रतिपादक माने गए ऋषि अगस्त्य। संगम साहित्य का निर्माण मदुरै के अंदर तीन संगम हुए तमिल साहित्य सम्मेलन हुए उनमें किया गया। उसमें प्रमुख रचना की है सैकिलार की पैरिया पुराण और फिर तिरुतक देवक की रचना की है जीवक चिंतामणि जो जैन परंपरा से संबंधित है। उसके बाद आते हैं दक्षिण भारत में संगम वंश के शासक कृष्णदेवराय जो स्वयं तेलुगु के विद्वान थे उन्होंने अमृतमाल्य तेलुगु भाषा का ग्रंथ लिखा। उसके बाद उनके दरबारी कवि शायन थे जिन्होंने वेद भाष्य लिखा। उसके बाद धुरजटी थे जिन्होंने कृष्णदेवराय विजयम ग्रंथ लिखा। उसके बाद उनके दरबार में तेनालीराम थे जिन्होंने पंडित मातम्बे ग्रंथ लिखा और अलसानी पेड़ाना उनके दरबार के जाने माने विद्वान थे। इसके बाद हम क्षेत्रीय साहित्य की बात करते हैं तो हमारे यहाँ राजस्थानी भाषा में बहुत सारा क्षेत्रीय साहित्य था लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में क्या है, हमारे पाठ्यक्रम में है चंद्रवृद्धाई की रचना है पृथ्वीराज राशो। ये पृथ्वीराज राशो हमारे पाठ्यक्रम में है। सूर्यमल मिश्रण की रचना है वंश भास्कर निवाड़ और बूंदी का इतिहास इसमें लिखा गया है। ये महत्वपूर्ण है वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की रचना। उसके बाद है नैनसी ख्या मारवाड़ का इतिहास इस रचना में लिखा हुआ है। बीकानेर का इतिहास कवि बांकी दास ने बांकी दास लिखा। ये लिखा, ये हमारे पाठ्यक्रम में है चंद्रदाई पृथ्वीराज राशो। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में उनके दरबारी कवि है। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है। सूर्यबल मिश्रण की रचना वंश भास्कर है। बूंदी और भीलवाड़ का इतिहास है। नैनसी की रचना नैनसी का ख्याल मारवाड़ का इतिहास है। बांकीदास की रचना बांकीदास का ख्याल बीकानेर का इतिहास है। इस तरह का जो क्षेत्रीय साहित्य की कुछ रचनाएं हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में है। उसके बाद हम लास्ट बिंदु की बात करते हैं इस साहित्य स्रोतों में, वो है वंशावली। देखिए वंशावली क्या है, वंशावली क्यों महत्वपूर्ण है, वंशावली को स्रोत के रूप में क्यों स्वीकार किया गया है। देखिए जब हम वंशावली की बात करते हैं, वंशावली का जब हम अध्ययन करते हैं तो वंशावली है क्या, वंशावली होती क्या है। जो पुरातन काल की हम बात करते हैं, जो पुराण साहित्य का हमने वर्गीकरण किया था उसके 5 भाग थे, उसी तरह से जो पुरातन साहित्य लेखन है उस पुरातन साहित्य लेखन में एक क्षेत्र आता है लोक साहित्य जो बिल्कुल आम जन से जुड़ा हुआ है, क्षेत्रीय है। लोक साहित्य जो होता है उसी लोक साहित्य को हम वंशावली कहते हैं। एक तरीके से यहाँ इस तरह से समझे, लोक साहित्य को वंशावली कहते हैं। ये लोक साहित्य किसने लिखा, भाट राव जागा बड़वा पुरोहित। देखिए राजपंडित होते थे, आम जनता के क्षेत्रीय पंडित होते थे और इनका जो काम होता था वो होता था वंशावली लिखना, यानी प्रत्येक वंश का पूरा विवरण लिखने का जो काम है इन लोगों ने किया, जिसमें भाट राव जागा बड़वा और पुरोहित माने जाते हैं। अब इनके द्वारा लिखा गया विवरण है उन्हें वंशावली कहते हैं। भारत सरकार ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत अधिनियम 1872 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक वाद आया था। उस वाद का नाम था जगदीश प्रसाद बनाम सर्वन कुमार वर्ष 2003 AIR। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में अंततः ये निर्णय दिया गया कि वंशावली भी हमारे इतिहास में एक जाना माना स्रोत है, इसलिए वंशावली को भी स्रोत माना गया। वंशावली में क्या लिखा जाता है, वंश क्रम लिखा जाता है, कुल के बारे में लिखा जाता है, लोक महापुरुष ध्यान रहे विशेष करके लोक महापुरुष के बारे में लिखा जाता है,
यह जो विवरण है यह व्यवसायिक विवरण है, व्यवसायिक विवरण है। यह जो विवरण है जातीय विवरण है, जातीय और जातीयता पर ध्यान दिया जाता है। और ये विवरण वर्तमान काल तक, वर्तमान काल तक भी लिखा जा रहा है। और ये विशेष रूप से वास्तविक कागजी वृत्तांत है, इसको वास्तविक कागजी वृत्तांत कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। इसी हमारे इतिहास को स्थायी बनाने के लिए, हमारे इतिहास में सही साक्ष्य उपस्थित करवाने के लिए वंशावलियों का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो इस तरह से इतिहास की जानकारी के साहित्य स्रोतों का वर्णन हमने इस प्रकार से किया। उसके बाद हमारा अगला बिंदु रहता है पुरातात्विक स्रोत, जिसका हम अगले पीरियड में अध्ययन करेंगे। और पुरातात्विक स्रोतों में हम क्या पढ़ेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। पुरातात्विक स्रोत क्या क्या है हमारे पाठ्यक्रम में, उनको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आपके भी ध्यान में रहे कि कल क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, पुरातात्विक स्रोतों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले पुरातात्विक स्रोतों में आता है, वो आता है मृदभांड संस्कृति। मृदभांड संस्कृति, देखिए मानव का रासायनिक वैज्ञानिक आविष्कार माना जाता है मृदभांड, और इसी के आधार पर संस्कृतियां लिखी गई, यानी इसी के आधार पर नवपाषाण संस्कृति का निर्माण हुआ, इसी के आधार पर हड़प्पा या सिंधु संस्कृति का, हड़प्पा या सिंधु संस्कृति का निर्माण हुआ, इसी के आधार पर ताम्रपाषाण संस्कृति का निर्माण हुआ, ताम्रपाषाण संस्कृति, इसी के आधार पर वैदिक संस्कृति, और इन्हीं के आधार पर महाजनपदीय, महाजनपदीय संस्कृति का निर्माण हुआ। तो कल हम एक मृदभांड संस्कृति का अध्ययन करेंगे। और दूसरा हमारा बिंदु होगा पुरालेख साहित्य। देखिए, पुरालेख साहित्य के अंदर आता है, हमारे पाठ्यक्रम में है एपिग्राफी, और एपिग्राफी कहते हैं हम अभिलेख स्रोत को। अभिलेख स्रोत जो है वो हमारे पाठ्यक्रम में है, यानी अभिलेखों की शुरुआत कहाँ से हुई हम ये पढ़ेंगे, कौन से अभिलेख लिखने की परंपरा है, लिखने की शुरुआत या लिखने की जो परंपरा है वो किसने डाली, कौन से हमारे पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण अभिलेख है, वो जैसे अशोक के काल के अभिलेख है, आती गुंपा का अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, कुमार गुप्त के अभिलेख है, इस तरह के अभिलेख। और तीसरा हमारा बिंदु है मुद्रा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र जिसको हम न्यूमिस्मैट्रिक्स कहते हैं, पुरातत्वी भाषा में न्यूमिस्मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, इसको मुद्रा शास्त्र कहा गया। मुद्रा को भी एक लेख माना गया, शास्त्र माना गया, क्योंकि शास्त्रों का संपूर्ण विवरण इनसे मिलता है। इसके बाद आता है हमारे यहाँ पर मूर्तियां, मूर्तियां मंदिर, ये भी जैसे मान लीजिए गुप्त काल के जो मंदिर है, दशावतार का मंदिर, स्तिग्वा का मंदिर, जबलपुर का, इस तरह के मंदिर हमारे साक्ष्य के रूप में है। और लास्ट में हमारा इसमें आता है शैल चित्र, यानी पुराने जमाने में जैसे पचमढ़ी मध्य प्रदेश भीमबेटका की जोड़ा की गुफाएं जो है, इस तरह के जो शैलाश्रय है, बूंदी गदरा कोटा की जो शैलाश्रय है वो हमारे शैलाश्रय पाठ्यक्रम में है। चलचित्र जमाना लिखने का कार्यक्रम था, इस तरह का विवरण हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।